हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिंपल एंड यूनिक किचन में। मेरा नाम है शालिनी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गर्मी शांत करने का एक ऐसा शरबत बनाऊंगी, इसको पीने के बाद आपको बहुत ताजगी लगेगी। नींबू पुदीने का शरबत, इसको बनाना बहुत सिंपल है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें किचन में काम आने वाली दो किचन टिप्स के बारे में बताया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए नींबू पुदीने का शरबत बनाना शुरू करते हैं। आज की किचन टिप 1 है, यदि आप अपने किचन में होने वाली चींटियों से परेशान हैं, तो किचन में CFL के पास 1-2 प्याज बांध कर लटका दें। ऐसा करने से किचन में चींटियां कम हो जाएंगी। और अब पुदीना का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमने पुदीना की पत्ती ली है। इन्हें हम एक जार में निकाल लेते हैं। सारी पत्तियां नहीं निकालते, थोड़ी सी पत्तियां भी जार में हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें शक्कर डालते हैं। हम 2 ग्लास पुदीना का शरबत बना रहे हैं, इसलिए हमने 4 स्पून शक्कर ली है। और शक्कर इसमें अब हम डाल देते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। काला नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर इसमें हम डाल देते हैं, और जीरा पाउडर इसमें हम डाल देते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाल देते हैं, इससे हमारा पुदीना का शरबत का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो 4 स्पून लगभग इसमें हम नींबू का रस डाल देते हैं। और अब हम थोड़ा सा, बहुत हल्का सा हम इसमें पानी डालते हैं। और अब हम इस सबको ले जाकर पीस लेते, एकदम महीन पीस लेते हैं। ये हमने एकदम महीन जो है पीस लिया है। इधर हमने एक छलनी लिया और एक बाउल लिया, इसे हम अब छान लेते हैं। इस मिश्रण को जो हमने पीस के लिया है वो इसे हम छान लेते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हुए, मतलब हम 2 ग्लास बना रहे हैं तो 1 ग्लास पानी तो अप्रोक्स इसमें अभी हम डाल ही देते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा पानी और हम डाल देंगे। और इसे अच्छे से हम छानते हैं। अभी हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं, 1/2 ग्लास ही, क्योंकि अभी हम आइस क्यूब्स भी डालेंगे तो वो पूरा 2 ग्लास बन जाता है। इस तरीके से अच्छे से हम इसे निचोड़ते हुए इसका अच्छे से निकाल लेते हैं। बिल्कुल शरबत जो है अपना तैयार करते हैं। ये हमने बिल्कुल कर लिया, इसे अब साइड से रख देते हैं। और ये देखिए, इसे हम मिक्स करते हैं, अच्छे से हम इसे चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। और इसे एक जग में निकाल लेते हैं। अब हम 2 ग्लास लेते हैं, उसमें हम छोटे छोटे पीसेस जो है, हमने नींबू के स्लाइसेस जो है कट कर लिए हैं, वो इसमें हम डाल देते हैं ग्लासेस में। और 2-4 आइस क्यूब्स डाल देते हैं ग्लासेस में, इससे प्रेजेंटेशन भी हमारी अच्छी लगती है शरबत जब आप किसी को सर्व करेंगे तो। और ठंडा ठंडा ये शरबत पीने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और सबसे बड़ी बात, ये गर्मियों में पीने में बहुत फ़ायदा करता है। आपको शरीर को बिल्कुल ठंडक मिलती है, और पुदीना वैसे भी शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो आप इसे गर्मियों में ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, अपने बच्चे बड़े सभी को पिलाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। इस तरीके से हम ग्लासेस में शरबत को डाल देते हैं। और ये देखिए, हमारा पुदीने का शरबत जो है वो बिल्कुल बनके तैयार है। इसमें आप पुदीने की पत्तियों से इसे डेकोरेट कर सकते हैं और फिर इसे सर्व कर सकते हैं। और हमारी किचन टिप 2 है, किसी बर्तन के जलने पर यदि आप वह साफ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें चाय की पत्ती व पानी डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद साफ करने पर बर्तन चमक जाता है, बिल्कुल नए जैसा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ शरबत पसंद आया होगा। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।